हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शटल टैटिंग के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, ये हैं कुछ शटल्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं टैटिंग के लिए। तो टैटिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको धागा अच्छे से भरना आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार शटल्स किस तरह से हैं। ये एक फ्लैट शटल है जिसे पहले लोग बहुत यूज़ करते थे, क्योंकि टैटिंग एक बहुत पुरानी आर्ट है जिसे हम यूज़ करते आ रहे हैं कई सालों से। काफ़ी बुक्स इस पे पब्लिश हो चुकी हैं, काफ़ी पुरानी ये टेक्निक है टैटिंग की। और इस तरह के शटल्स पहले यूज़ किया करते थे लोग। ये तो क्ले से बना है, वुडन शटल्स भी इस तरह से बनाए जाते हैं। आजकल ये प्लास्टिक शटल्स आने लगे हैं, इस तरह से ये शटल आते हैं। देखिए, इस तरह से एक साइड पॉइंटेड होती है और एक साइड राउंड होती है। पॉइंटेड साइड को हम आगे की तरफ करके हम इसमें टैटिंग करते हैं। और इस तरह से ये ब्रॉड शटल होते हैं, काफ़ी थ्रेड इसमें आपका भर जाता है और बार बार थ्रेड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से भी शटल्स, ये काफ़ी स्लीक और स्लिम लुक है इसकी। इस तरह से ये आपका क्रोशे हुक का भी काम कर देता है इसमें। और ये शटल्स भी काफ़ी पुराने हैं, जिसमें एक बॉबिन लगी होती है, फिरकी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें थ्रेड भरने के लिए हमें पहले बॉबिन को बाहर निकाल के इसमें हमें थ्रेड भरना होता है ऐसे। और थ्रेड हमने उसी साइड पे रखना होता है जिस साइड पे हमारा हुक का मुंह है। देखिए, हुक नीचे है और थ्रेड भी हमने नीचे कर लिया। इस तरह से ये थ्रेड भर के हम इसमें टैटिंग करते हैं। और जो पॉइंटेड शटल होते हैं उसमें थ्रेड भरने के लिए हमें पॉइंटेड साइड लेफ्ट साइड पे करनी पड़ती है। इस तरह से पहले हमें इसमें हमने थ्रेड को नोट लगा लेनी है। नोट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन क्या होता है कई बार जब हम एक लेस या इयररिंग बना रहे होते हैं तो थ्रेड कहीं कम ना पड़ जाए तो हमारा लास्ट मोमेंट तक ये थ्रेड जो है यूज़ होता रहता है, वेस्ट नहीं होता थ्रेड हमारा। तो नोट लगाने से ये फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटी सी एक नोट आप लगा के इसमें आप ऐसे, आपने पॉइंटेड साइड लेफ्ट हैंड रखनी है और इस तरह से थ्रेड पॉइंट करना है। देखिए, इस तरह से, इस तरह से जब यूज करेंगे तो पॉइंटेड साइड ऊपर रहेगी और थ्रेड हम पीछे की तरफ करके यूज करेंगे। तो सारे पॉइंटेड शटल्स को हमने इसी तरह से फिल करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कैसे हम टैटिंग करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा मोटा थ्रेड यूज़ कर लिया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। इस तरह से हम स्टिचेस इसमें लेते हैं। इस तरह से हमने, देखिए, ये तकरीबन एक इंच थ्रेड हमने थंब और फर्स्ट फिंगर पे हमने इस तरह से ये क्रॉस बना के इसके ऊपर इस दोनों थ्रेड्स को हमने पकड़ लेना है और बाकी की तीन फिंगर्स के ऊपर से इस तरह से हमने ये जो है थ्रेड लपेट लेना है। और शटल में थ्रेड हमने पॉइंटेड साइड ऊपर रखना है और थ्रेड हमारा पीछे की तरफ होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर हम अच्छे से इसमें धागा भरेंगे, ठीक है। और तकरीबन 6 इंच या 5 इंच हमने थ्रेड इसमें लंबा रखना है, इससे ज़्यादा लंबा थ्रेड हम नहीं रखेंगे। और ये इस तरह से हमने लपेट लेना है। ये अंगूठे और पहली फिंगर की मदद से हमने ये सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा हमने इस तरह क्रॉस कर लेना है और दोनों सिरों को हमने ऐसे पकड़ लिया है, दोनों थ्रेड्स को। और इस तरह से हमने ये एक बड़ा लूप बनाया हुआ है और 6 इंच कम से कम हमने थ्रेड यहाँ छोड़ा हुआ है। और स्टिचेस हमने कैसे लेने हैं, जैसे कि आपने नीडल टैटिंग में भी समझ ही लिया है कि 2-2 स्टिचेस से हम एक स्टिच बनाते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इस तरह करके।
एक स्टिच बनता है। तो उसी तरीके से हमने ये स्टिच बनाने हैं। तो इसका डबल स्टिच बनाने के लिए फर्स्ट हाफ आप देख लीजिए कैसे लेते हैं हम, इस तरह से फिंगर्स के ऊपर से ऐसे देख लीजिए, ऐसे हमने फिंगर के ऊपर से थ्रेड उठाया और शटल को हमने इस बड़े वाले लूप के अंदर से गुजारते हुए इस थ्रेड के ऊपर से हमने ऐसे निकाल लेना है। देखिए ये हमारी नोट बन गई, इसे दोबारा से देख लें एक बार। देखिए इस तरह से थ्रेड को ऊपर उठा के फर्स्ट हाफ हम स्टिच कैसे लेते हैं, ऐसे ऊपर उठा के, और ये जो लूप है इस लूप में से हमने ऐसे ऐसे शटल को ऐसे अंदर किया और उस लूप के ऊपर से हमने बाहर निकाल लिया। देखिए ये एक नॉट बन जाती है जिसे हमने ट्रांसफर करना होता है इस वाले थ्रेड को थोड़ा सा लूज करके, इस थ्रेड को खींच कर। देखिए पहले इस थ्रेड पर थी वो नॉट और अभी ये इस थ्रेड पर आ गई है। ये फर्स्ट हाफ हो गया। अब सेकंड हाफ हम देखेंगे। पहले हमने ऐसे लिया था स्टिच इस लूप के अंदर से, फिर बाहर निकाला था। अब हमने सिंपली शटल को इस थ्रेड के लूप के ऊपर से ले जाते हुए अंदर से बाहर निकालना है ऐसे। देखिए नॉट अभी उस थ्रेड के ऊपर है, लूप वाले थ्रेड के ऊपर है, जिसे हम इस वाले फिंगर को थोड़ा लूज करके थ्रेड लूज करेंगे और इसे थ्रेड को खींच कर यहाँ इस वाले थ्रेड पे ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये सेकंड हमारा, सेकंड हाफ भी हमारा स्टिच हो गया और इस तरह से हमारा फर्स्ट डबल स्टिच ये इस तरह बन जाता है। अब ये नॉट आपकी ठीक लगी है कि नहीं ये आप ऐसे खींच के स्लाइड करके थ्रेड को देख लेते हैं। अगर तो थ्रेड आपका अच्छे से मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है इन स्टिचेस के अंदर से, तो इट मीन्स ये स्टिचेस आपके करेक्टली लिए जा चुके हैं। एक बार फिर देख लीजिए। तो जैसे ये आपका ये लूप जो है छोटा पड़ने लग जाए तो इसको आप ऐसे खींच के बड़ा कर लीजिए, और यहाँ से अगर थ्रेड थोड़ा पड़ने लगे तो इसको इस तरह से खोल लें, और जरूर ज़्यादा खुल जाए तो इसे आप इस तरह से दोबारा वाइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टिच बन गया। और नेक्स्ट स्टिच आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टिच थ्रेड को ऊपर करके इस लूप के अंदर से शटल गुजारते हुए ऊपर से निकाल के बाहर ले आएंगे और इस थ्रेड को लूज करके हम ये, हम इसको पास में ऐसे ट्रांसफर करने के बाद स्टिचेस पास पास लेते जाएंगे। सेकंड हाफ इस थ्रेड के ऊपर से ऐसे और इसे ट्रांसफर करके फिर पास में, देखिए आप ऐसे ऐसे, और इसे खींच के आप ट्रांसफर ज़रूर करें, फिर एक ऊपर से, फिर अंदर से बाहर निकालते हुए, फिर ऊपर से अंदर की ओर निकालते हुए ऐसे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। और ये नॉट की ट्रांसफर जरूर आपने करनी है, फिर बाहर से अंदर। इस तरह से आपके ये स्टिचेस, ये मूव होनी चाहिए आपके थ्रेड। और जब हम इसमें पिको डालना होता है हमको, तो उसमें आप फर्स्ट स्टिच जब हम लेते हैं इस तरह से नॉट ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये हमें जितना पिको हमें चाहिए उतना गैप, उतना ये लूप ऊपर ही छोड़ देंगे, और फिर सेकंड हाफ हम ऊपर से अंदर की ओर इस तरह से लेके इसकी भी नॉट ट्रांसफ़र करके ऐसे करके पास जोड़ देंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टिचेस हमने इस साइड पे लिए हैं और 6 स्टिचेस हम दूसरी साइड पे लेके रिंग कंप्लीट कर लेते हैं।
और जैसे ये वाला लूप आपका छोटा हो जाए तो इसको खींच के आप बड़ा कर लीजिए और यहाँ से आप खोल के इसको 6 इंचेस तक ले आइए। 2, 3, 4, 5, 6 देखिए इस तरह से ये स्टिचेस सारे हमने इस पे ले लिए और लूप को हमने फिंगर से निकाल के बाहर निकाल लिया और इस वाले शटल वाले थ्रेड को ही हमने इन स्टिचेस को अच्छी तरह से ऐसे पकड़ते हुए ग्रिप में लेके इसको हमने खींच देना है ऐसे। तो ये शटल से हमारा एक रिंग रेडी हो गया है। ये मोटा थ्रेड लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है अगर आपको तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है। और फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।